दोस्तों YouTube पर किसी भी वीडियो के बारे में राय जानने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यही देखते हैं कि उस वीडियो पर कितने लाइक्स आए हैं और कितने डिसलाइक्स आए हैं, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि वो वीडियो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन YouTube ने इन दोनों के कंपैरिजन के बीच का जो अंतर है बिल्कुल ही गायब कर दिया है अपने नए अपडेट के वजह से, क्योंकि अब जो है आपको डिसलाइक्स का जो काउंट है, जो नंबर्स है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। दोस्तों अब किसी भी व्यूअर को किसी भी वीडियो पर डिसलाइक्स का जो काउंट है वो नहीं दिखाई देगा। हालांकि वो लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उनको ये संख्या नहीं दिखाई देगी कि कितने लोगों ने उस वीडियो को डिसलाइक किया है। तो इस बारे में हम और भी डिटेल में इस वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली YouTube से रिलेटेड सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। और इसके साथ ही इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों साल 2021 के शुरुआती कुछ महीने बाद ही YouTube ने हमें इस अपडेट के बारे में बता दिया था कि वो इस अपडेट को YouTube पर जल्द लॉन्च कर देगा। हालांकि YouTube पे ये अपडेट पहले ही आ चुका था, लेकिन पहले ये एक्सपेरिमेंटल जो है यूज किया जा रहा था, जिससे कि YouTube ये देखना चाहता था कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या इससे वाकई यूट्यूबर्स को फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जो है ये अपडेट सभी वीडियोस पर लागू होने लग गया है और सभी वीडियोस पर आपको ये लगभग देखने को मिल जाएगा कि किसी भी वीडियो पर अगर आप विजिट करते हैं तो वहां पे आपको डिसलाइक्स का जो काउंट है वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन यूट्यूब को इस अपडेट को लाने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े लोगों का जो समूह होता है वो किसी एक क्रिएटर को नापसंद करता है, और ऐसे में जब वो वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर तो उसको बस डिसलाइक करने के लिए उनकी चैनल पर या फिर उनकी वीडियो पर विजिट किया जाता है, और ऐसे में उनके कंटेंट को नहीं देखा जाता कि वो कंटेंट कैसा है, लेकिन उस क्रिएटर के ऊपर नाराजगी की वजह से या फिर उस चैनल की वजह से जो है वो उनकी वीडियोस को जो है डिसलाइक्स कर देते हैं, और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है। इस वजह से YouTube इस अपडेट को लाने को मजबूर हो गया ताकि वो अपनी कम्युनिटी को सेफ रख सके और जो डीमोटिवेट हो रहे हैं यूट्यूबर्स उनको डीमोटिवेट होने से भी रोका जा सके। और आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज के ट्रेलर्स अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च हुए थे 2021 में यूट्यूब पर, जिसको बहुत बड़ी संख्या में जो है डिसलाइक्स मिले थे, और जिसमें सड़क 2 का ट्रेलर जो है एक मेन वीडियो थी, जिसकी वजह से जो ये मुद्दा जो है उठा था कि भाई जो कंटेंट है उसको देखा नहीं जा रहा, लेकिन उस कंटेंट को देखे बिना ही उस वीडियो को कैसे डिसलाइक किया जा रहा है। इसी वजह से जिस चैनल पे ये ट्रेलर लॉन्च किया गया था उस पे लाइक्स और डिसलाइक्स का जो ऑप्शन है वो ऑफ कर दिया गया था, और आने वाले समय में जो और भी ट्रेलर्स थे मूवीज के उन पे भी ये देख के कि भाई इस पे भी डिसलाइक्स ना आ जाए, इस वजह से पहले ही उन पे लाइक्स और डिसलाइक्स का ऑप्शन बंद कर दिया जाता था, ताकि उस पे जो डिसलाइक्स की संख्या है वो आपको दिखाई ना दे। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइज होता है कि किसी क्रिएटर के ऊपर या किसी चैनल के ऊपर किसी भी बात से लेकर जो लोगों का एक समूह होता है वो नाराज होता है तो उस वीडियो को डिसलाइक करने पर आ जाता है, ताकि उसकी वीडियो का परफॉर्मेंस खराब हो सके और जब लोग उसकी वीडियो पर वॉच करें तो उनको पता चले कि भाई इतने ज्यादा डिसलाइक्स आए हैं, ताकि उसका नाम जो है खराब हो सके। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म को हेट स्पीच के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता है कि लोग इस पर आके हेट स्पीच करें, किसी के खिलाफ कुछ करें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करें, तो इस वजह से बचाने के लिए और क्रिएटर्स को डीमोटिवेट होने से रोकने के लिए YouTube इस अपडेट को लाने को मजबूर हो चुका है YouTube पर, और फाइनली ये अपडेट जो है अब YouTube पर आप सबको देखने को मिल जाएगा। और लाइक्स की संख्या के अलावा जो डिसलाइक्स की संख्या है वो प्राइवेट कर दी जाएगी YouTube की तरफ से, जिससे कि व्यूअर्स जो डिसलाइक्स की संख्या है वो ना देख पाए। हालांकि जो क्रिएटर्स हैं वो देख सकते हैं अपने एनालिटिक्स में जाकर कि उनकी वीडियोज़ को कितने डिसलाइक्स मिले हैं, और आप भी किसी भी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, बस उस पे जो काउंट है, जो संख्या है कि कितने लोगों ने डिसलाइक किया है वो आप नहीं देख सकते। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि YouTube ने इस अपडेट को लाने में बहुत जल्दबाजी कर दी, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये अपडेट पसंद ना भी आया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि YouTube ने इस अपडेट को लाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की है। काफी दिनों से ये जो अपडेट है, ये जो फीचर है, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर YouTube देख रहा था करके कि भाई इस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और YouTube को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तभी YouTube इस फीचर को लेकर आया है और अब जो है YouTube पर इसको लागू कर दिया गया है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे जो YouTube पर पहले से काम कर रहे हैं, उन सबको पता है कि YouTube पर एक फीचर पहले से जो है अवेलेबल था, जिससे कि आप अपने वीडियोस पे लाइक्स या डिसलाइक्स की संख्या को हाइड कर सकते थे। देन इस अपडेट को लाने का मतलब क्या है और ये अपडेट पहले वाले फीचर से कैसे अलग है? तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि पहले जो फीचर YouTube पर था उससे क्या होता था कि जब आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हाइड करते थे तो लाइक्स की संख्या और डिसलाइक्स की संख्या दोनों ही हाइड हो जाती थी। हालांकि ये कभी भी आप इनेबल या फिर ऑफ कर सकते थे,
लेकिन अब जो है YouTube की तरफ से बाय डिफॉल्ट ये फीचर लाया गया है कि जिससे आपके लाइक्स की संख्या तो दिखाई देगी लेकिन डिसलाइक्स की जो संख्या है वो दिखाई नहीं देगी। तो ये जो है सबसे बड़ा अंतर है दोनों ही फीचर्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था और ये अपडेट जो है मुझे तो काफी अच्छा लगा है। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल की वीडियोस रेगुलर YouTube पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और YouTube से रिलेटेड मैंने काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हुई मेरे चैनल पे, तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।